स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाले पहले रक्षा मंत्री बने राजनाथ सिंह। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विशेष रिपोर्ट में। मैं हूं जगजीत, आप देख रहे हैं भारत उदय समाचार। माना जा रहा है कि स्वदेशी पर भरोसा जताने और प्रमोट करने का संदेश देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तेजस में उड़ान भरी। आपको बता दें कि वह तेजस में उड़ान भरने वाले पहले देश के पहले रक्षा मंत्री बन गए हैं। आइए पूरा कवरेज देखते हैं। शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस चैनल को। आगे देखिए कैसे राजनाथ सिंह ने उड़ान भरी है तेजस। राजनाथ सिंह सिंगल इंजन वाले स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरने वाले देश के पहले रक्षा मंत्री बन गए हैं। इससे पहले पूर्व रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन ने लड़ाकू विमान सुखोई में उड़ान भरी थी। सुखोई 2 इंजन वाला विमान है। वायुसेना तेजस विमानों की खेप अपने बेड़े में शामिल कर चुकी है। तेजस का नौसेना का संस्करण तैयार किया जा रहा है। हाल ही में हुई थी तेजस की अरेस्ट लैंडिंग। तेजस के नौसेना संस्करण की सफल अरेस्ट लैंडिंग की गई थी। इस लैंडिंग के दौरान नीचे से लगे तारों की मदद से विमान की रफ्तार कम कर दी जाती है। इस तरह से तेजस ने विमान वाहक पोत पर उतरने की अपनी काबिलियत दिखाई थी। देखिए अब राजनाथ सिंह तेजस में उड़ान भर चुके हैं। धीरे धीरे तेजस अपनी ओर चल चुका है। अब से आधे घंटे तक आसमान में राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री उड़ेंगे तेजस में और दुनिया को दिखेगा तेजस का दम स्वदेशी रूप में। आपको बता दें देश में बना हुआ है तेजस हल्के लड़ाकू विमान में गिनती आता है इसका। और देखिए पूरा कवरेज तेजस का। आज राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री पहले बन गए हैं रक्षा मंत्री जो आज तेजस में उड़ान भरी है। शेयर और सब्सक्राइब ऐसे ही करते रहिएगा चैनल को। देखिए पूरा कवरेज देखिए। आपको बता दें जानकारी के मुताबिक तेजस की स्पीड उस वक्त 244 किलोमीटर प्रति घंटा थी और सिर्फ 2 सेकंड में उसे जीरो कर लैंड करके दिखाया गया। स्वदेशी तकनीक से विकसित भारत के इस हल्के लड़ाकू विमान के अरेस्टेड लंग लैंडिंग से जुड़े सैन्य अधिकारियों ने बताया कि इस सफल परीक्षण से भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में पहुंच गया है जो विमान वाहक पोत पर उतरने में सक्षम जेट विमान का डिजाइन तैयार करने में समर्थ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तेजस के उड़ान भरने के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो भी तेजस में लगे हुए हैं अधिकारी उन सभी को धन्यवाद। आपको बता दें कि तेजस का विकास DRDO कर रहा है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एयरक्राफ्ट रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर और CSIAR के साथ मिलकर तेजस के इस नौसेना संस्करण के विकास में जुटा है। वायुसेना में शामिल हो चुका है तेजस। गौरतलब है कि वायुसेना तेजस विमानों की एक खेप अपने बेड़े में शामिल कर चुकी है। शुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को 40 तेजस विमानों के लिए ऑर्डर दिया गया था। पिछले साल वायुसेना ने 50,000 करोड़ रुपए में 83 और तेजस विमानों की खरीद के लिए HAL को अनुरोध प्रस्ताव किया था। आइए पूरा कवरेज देखते हैं। शेयर और सब्सक्राइब जरूर इस चैनल को करिएगा। शेयर लोगों को व्हाट्सएप पर कर सकते हैं, फेसबुक पर कर सकते हैं। पूरा कवरेज देखिए जरूर। अगर एडवर्टाइज आता है तो उसे भी देखिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को।